22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं अभिनव कुमार आपके साथ। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता है जो पहले बीजेपी के आईटी के सेल के हेड हुआ करते थे, बीजेपी के प्रदेश नेता थे और कई विभिन्न पदों पे इन्होंने काम किया है, लेकिन उन्होंने फाइनली बीजेपी को छोड़ दिया है। अब वो जाके शामिल हो गए हैं राष्ट्रीय समता पार्टी में, जो कि अरुण जी की पार्टी है। अरुण जी ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि बिहार में 4 सीटों पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक पाटलिपुत्रा सीट का भी ऐलान किया था, वहां से प्रत्याशी के रूप में उतारा था राजेश सिंह को। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसमें 2 छोटे-छोटे एरर जो हुआ उसको सुधार कर दें। पहली बात तो ये, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में मैंने जो काम किया प्रदेश स्तर पे, वो यूथ के लिए मैंने काम किया था और विभिन्न दायित्व प्रदेश कार्य समिति के लिए मैंने काम किया था। और अरुण बाबू अभी जो जिस जगह पे लड़ाने की बात की है वो 4 है या उनका डिसीजन और भी ज़्यादा है ये मुझे नहीं पता। मुझे पाटलिपुत्रा से लड़ना है, मुझे इतना बात की जानकारी है। सर, मेरा एक सवाल है कि आपने आखिरकार बीजेपी को क्यों छोड़ा? देखिए, अपने जो आदमी अपने ये कथन के साथ नहीं चले या जो पार्टी अपने स्टेटमेंट के साथ नहीं चले, अपने प्रोमिस के साथ नहीं चले, अपने किए हुए वादा पे नहीं खड़ा रहे, तो वैसे पार्टी में रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सत्ता के लिए काम करे, जो किसी भी सूरत में पावर में ही रहना चाहे, तो वो पार्टी फिर नहीं रह जाती है। वो पार्टी से हट करके और एक कंप्लीट एक जंजाल बन जाता है। वो जंजाल है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है, वो देश के लिए नहीं काम कर रही है। सर, राष्ट्रीय समता पार्टी को क्यों चुना? ऐसे बहुत सारी पार्टियां थी, ऐसा कुछ ऑफर आया था अरुण जी की तरफ से? देखिए, इसके लिए आपको लंबे समय जो काम करता है कार्यकर्ता और उसके सामने जो सामने जो परिस्थिति होती है उसी में कोई चयन करना होता है। अभी वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में गिरावट आई है और देश के जितने भी पार्टियों से नेता लोग निकले हैं, अगर बीजेपी में एक बार चले जाएं और वहां गंगा जल छिड़क लें तो वो शुद्ध हो जाते हैं। चाहे वो राजद के कार्यकर्ता हों, चाहे सपा के कार्यकर्ता हों, चाहे बसपा के कार्यकर्ता हों या TMC के कार्यकर्ता हों, आप बंगाल में ही ले लीजिए, वहाँ से TMC को घोर निंदा करते हैं भाजपा वाले और TMC से आज निकलेंगे और उनको तुरंत टिकट दे करके लड़ा करके उनको पवित्र कर देते हैं। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से अभी रविंदर राय वहाँ भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं प्रदेश के, उनको हटा करके अन्नपूर्णा देवी को लड़ा दिए। अब जो राजद कल तक की छुआछूत था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसकी घोर निंदा करते थे, आज वो अन्नपूर्णा देवी इनके टिकट पर लड़ करके सदन चले जाएंगे, वो अच्छी हो जाएंगे। तो ये दोहरी नीति जो भाजपा चला रही है देश में, ये कहीं ना कहीं जनता को समझने की चीज़ है कि ये सिर्फ सत्ता के लिए जो जिताऊ हैं, जिनको हम जितवा सकते हैं, जो कास्ट पॉलिटिक्स कर सकते हैं, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, युवाओं को गुमराह कर सकते हैं, वैसे पॉलिटिक्स करती है। किन किन मुद्दों को लेके अब चुनाव में उतरेगा इस बार? मुद्दा तो वो खोद दिए हैं, मुद्दा हम लोग लेकर के क्यों जाएंगे? मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दे दिया है। पिछले चुनाव में जो मैनिफेस्टो है उनका, जो मैनिफेस्टो बताता है, उसमें उन्होंने राम मंदिर बनाने का प्रोमिस किया था। क्या हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनाने वाली बात कंप्लीट किया? क्या क्या उससे हिंदू आहत नहीं हुए हैं? युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, क्या युवा को 2 करोड़ रोजगार मिला है? नोटबंदी जैसे काला अध्याय इन्होंने लाया देश में और उससे एक पैसा कहीं भारत में कहीं कुछ फ़ायदा हुआ हो या आवाम को फ़ायदा हुआ हो, कितने पैसे उस पर खर्च हुए, कितने पैसे उसके घोटाले में चले गए, कितने लोग का जान चला गया और युवाओं का रोजगार चला गया। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास कराने की बात किए थे, इन्होंने धारा 370 हटाने की बात की। ये जो 5 साल में जितने भी वादा किए और वो कोई वादा नहीं कंप्लीट किए, तो मुद्दा तो ये स्वयं दिए हैं। अब बोलते हैं प्रधानमंत्री जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि ये तो जुमला था, क्या देश जुमला से चलेगा? और आप अलग अलग हर बार डफली बजाएंगे और लोग नाचेंगे और उस पर मतलब आप ये अभी मुद्दा दिए हैं चौकीदार हैं, क्या चौकीदार से देश चलेगा? क्या ये क्या है चौकीदार? कोई उनसे पूछे कि चौकीदारी मतलब क्या?
कोई राष्ट्रीय लेवल पे उनसे नेता बात करे, कोई पत्रकार बात करे कि ये क्यों देश के सारे युवा को चौकीदार आप बना रहे हैं, आप रोजगार दे देते इससे अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे उन्होंने दिए हैं। सर, पाटलिपुत्रा की सीट वैसे भी हॉट बनी हुई, सबको पता है, वहाँ से अगर हम बात करें बीजेपी से नेता हैं रामकृपाल यादव जी, दूसरी तरफ आरजेडी से हैं मीसा भारती जी, कितना टफ होगा आपके लिए? सर, ये जनता तय करती है, ये हॉट है, ये टफ है, ये आसान है, ये जनता जनार्दन होती है, जनता तय करती है, जनता जानती है कि कौन हमारे नज़दीक हो सकते हैं, कौन हमारे सुख दुख में काम आ सकते हैं, आने वाले दिनों के लिए कौन हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ जनता पे छोड़ दीजिए। रह गई बात जहाँ तक आरजेडी के, तो आरजेडी का अपना सारा उनका चरित्र सारे लोग जानते हैं। और ये जो भाई साहब जिनके आप बीजेपी में आज रामकृपाल जी हैं, आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ 70% लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी में, इनका चेहरा देखता और राजद, चूंकि इनकी पूरी काल राजद में, इनकी पूरी जवानी राजद में गई, इनकी पूरी बचपन जवानी राजद में गई है, और ये बाल सफ़ेद होने के बाद कलर करके आ गए हैं तो इनको कौन जवान मान जाएगा। उसी प्रकार से ये अभी अगर बीजेपी में आ करके बोलने लगे हैं, ये जो ऊपर से एक चोला पहन लिए हैं राम राम का, तो इससे नहीं कोई मान लेगा कि ये बीजेपी वाले हैं। आज भी इनके शब्द, इनके जो वक्तव्य आते हैं वो कंप्लीट राजद के झलक इनमें आती है। सर, पाटलिपुत्रा का ऐसा कौन सा मुद्दा है कि जब आप निकलते हैं वहाँ से तो कौन से मुद्दे को प्रखर रूप पे सबसे पहले इम्पोर्टेंस दे के लाएंगे? पाटलिपुत्र से ऐसे कई नौजवान, कई होनहार इस धरती के लाल हैं जिनको पॉलिटिकल मार लगी है, और ये लोग जितने लोग भी यहाँ जाते हैं पॉलिटिक्स करते हैं, जीतते हैं, और जीत करके फिर दोबारा उन लोग को पुरसहाल लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहाँ का सड़क जा कर के देख लीजिए, सड़क की क्या स्थिति है, पटना से सटे हुए एरिया, आप बख्तियारपुर साइड में चले जाइए उस साइड में तो सड़क बन गई है, राजगीर तरफ चले जाइए सड़क बन गई है, लेकिन पटना से मात्र जो बिहार का कैपिटल है उससे 20 किलोमीटर की दूरी में किसी गांव में चले जाइए तो कहीं सड़क नहीं है, कहीं ढंग से नाली नहीं है, और जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार का जिसका क्षेत्र रहा हो, वहाँ पे 15 किलोमीटर दूर पे जा कर के वो कहें कि अगले बार आएंगे तो इसको देखेंगे, इसको बना देंगे, ये शर्मनाक बात है। और जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम विकास पर राजनीति करते हैं, वो विनाश पर राजनीति कर रही है। सर, कितना मजबूती से इस सीट पे उभरेंगे आप, क्या आपको लगता है, क्या कयास है, आप बताइए। मुझे पूरा भरोसा है, मेरा ये कर्मभूमि रहा है, मेरा ये नित्य प्रतिदिन का आना जाना रहा है, और सैकड़ों गांव से मेरा निजी संबंध रहा है, मेरा कोई अनजान चेहरा और अनजान नाम नहीं है इस क्षेत्र के लिए। मैं विगत 10-15 दिनों से जनसंपर्क में भी हूँ, मुझे काफ़ी प्यार मिल रहा है, मुझे काफ़ी स्नेह मिल रहा है, और उस स्नेह की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लोग मुझे अपना बेटा मानने को तैयार हैं, लोग मुझे अपना सुख दुख का साथी मानने को तैयार हैं, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुझे अंत तक के साथ देंगे लोग। तो ये थे हमारे साथ राजेश सिंह जी, तो इनका यही कहना है कि जो जो पाटलिपुत्रा में अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सारे कार्य ऐसे हुए हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं हुआ है, अगर वहाँ से अगर ये जीतते हैं तो जो भी काम पेंडिंग है उनको ये प्रमुख तौर पर देखेंगे और उसका कार्य करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए, और इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। प्यार समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।